हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं जा रही हूँ गुलबानों की चीज़ें लेने, और आज मैं बुरखा पहन के जा रही हूँ क्योंकि हम बाइक पे जा रहे हैं, गाड़ी हमारी यहाँ नहीं है। और जब मैं बाइक पे जाती हूँ तब मैं अबाया पहनती हूँ। लेट्स गो। गुलबानो हमारे साथ नहीं है। हम आए थे गुलबानों की चीज़ें लेने, जो हमने ले ली हैं, साथ में काम है, तो मैं इसके साथ खड़ी हूँ और मैं खुद ब्लॉग बना रही हूँ, अपना काम कर रही हूँ। और उसके बाद हम जाके पान लेंगे, यहाँ के पान बड़े अच्छे। एमीज़ के पास हम एमीज़ आए हैं, और एमीज़ के पास जो मिलता है ना पान, वो बहुत मज़े के हैं। आ बिजी रहे, अच्छी रही ना, इतनी मेहनत कराते हैं ना ये हस्बैंड लोग, क्या मैं बताऊँ गाइस। मेरे हाथ थक गए ये चीज़ें पकड़ पकड़ कर, तो मैं चीज़ें रखती हैं। और इन साहब का वेट हो रहा है। What is wrong with the machine? रुबाना दीजिए, बुरी बात ले लो अंकल से, ले लो। सब गर्मी है। जी भाई, इस दिन मैं गुलबानों को लेके गई थी हॉस्पिटल क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। सिर्फ मैं और गुलबानों ही गए थे। और उसके बाद जहाँ हॉस्पिटल है वहीं पे मेरे चश्मे वाले भी हैं। मैं गई थी अपने लिए न्यू चश्मे बनवाने। ये जो मैंने चश्मा पहना हुआ है ना, ये मेरा टूटा हुआ चश्मा है, लेकिन मैं इसी पे गुजारा कर रही हूँ। और ये बाइक्स की आवाज़ को इग्नोर करो। घर आती मैंने बनाया था इतने कोई मज़े का हॉट एंड सार सूप। ये जो कनौर वाले मिलते हैं ना, रेडीमेड रेडी वाले, वो मैंने बनाए थे। और फिर नेक्स्ट डे था फैमिली डे, मतलब ससुराल के साथ हम सब गए थे थोड़ा बाहर, थोड़ा बच्चों को, गुलबानों और उसके छोटू चाचू को बाहर लेके गए थे। मैं परेशान आ गई हूँ इन बाइक से। खाना हमारा आ चुका है चाचा जी का लेके। और मैं ये भी बता रही थी, सोचा बता ही दूं कि डॉल्फिन मॉल में बहुत अच्छा शॉपिंग फेस्टिवल लगा है, और हर जगह ही सेल लगी हुई है, अच्छी खासी सेल लगी हुई है। और ये 7 जनवरी तक है, बहुत ही अच्छा है। मतलब आपको डिस्काउंट्स भी मिलेंगे। और ये जो हम ब्रेसलेट्स बनवा रहे हैं, ये भी हमें शॉपिंग हमने थोड़ी बहुत की थी, वाउचर्स मिले थे उनके साथ, हमने ये ब्रेसलेट बनवाया, आप फ्री में बनवा सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। कल वापस आके मैं थक गई थी क्योंकि कल हम बहुत थोड़ा आउटिंग ज़्यादा हो गया था, बहुत घूमे पे रहे थे। और वापसी में मैं अम्मी के घर रुकी थी क्योंकि आज मुझे कहीं जाना है। आप लोग को दूसरे ब्लॉग में पता चलेगा। होप आप लोग को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। बाय बाय। और जो मैंने परमानेंट ब्रेसलेट बनाया था अपना, रुको मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। जो मैंने अपना ब्रेसलेट बनवाया था ना, बेचारा इतना गुलबानो रात को उठी है कि वो बेचारा टूट गया। अब मैं सोच रही हूँ अब मैं इसको आज जाके फिर से फिक्स कराऊँगी। नूरी कह रही है, रुको, नूर ने ये दोनों ब्रेसलेट्स बनवाए हैं परमानेंट वाले। मुझे ना, मैं ये बनवा रही थी, ये मैंने क्यों ये बनवाया, छोटू फोटू जो कि टूट गया। नूर ने देखो ये अल्फाबेट लिखवाया है इस पर, लिखा उधर ही ठीक था, उधर ही ठीक था, दिख रहा है एस नूर मैडम लिखवाया है, और यहाँ पे नूर मैडम लिखा है हनी का नेम। अब सब आप लोग पूछोगे कि एस कौन है, क्यों बताएं? ओके जी, ज्वेलरी एड्स। ये डॉलमेन में आप लोग ना इजीली आप लोगों को मिल जाए, ठीक है गाइस?
अच्छा मन और ये जो मेरा बेचारा है ना, इसको मैं टीका बनाने का सोच रही हूँ। जैसे कि अगर हम इसको ऐसा रखें, रुको, ये टीका कौन पहनेगा गुलबानो? ये टीका बन जाएगा। देखो अब मैं जाके उस लड़की को बोलूँगी, ये चेन निकालो, ये तितली अपना अपने पास रखो और मुझे मोटा चेन लगा के। और अगर उसने बोला उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, मैं बोलूँगी तितली के पैसे मैं तुमसे नहीं ले रही जो मैंने तुम्हें दिए थे, ये तुम्हारी गलती है। कली करवाया है, रखो अपने हाँ, ये तुम्हारी गलती है, मेरी गलती नहीं है।